मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है तो फिर याद क्यों नहीं, इसको याद कीजिए, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। वहां निकलता है और ऐसा लगता है जिंद बोतल से बाहर आ रहा। मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता, मोटिवेशन आपके अंदर होता है। जी हाँ, 45 में से 45 क्वेश्चंस मेरी नवंबर से लेकर के जो जून तक की वीडियो है उनसे लिए गए हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ, कई साल से ऐसा होता है। एक बार जरा ये फ्लो डायग्राम आप बना लीजिए। आपको एक बात बता दूं कि जो टोटोमेरिज्म है वो एनसीईआरटी के सिलेबस में तो नहीं दी है, एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन ये आपके ट्वेल्थ में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है और आईआईटी जेई में और नीट में बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। हेलो, सच कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर। दोनों ही कंपाउंड में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, डिफरेंट है तो पोजिशन। यहां पर 1,4 डाइओइक एसिड है और यहां पर 1,2 डाइओइक एसिड है, तो इन एक दूसरे के क्या है, पोजिशनल नाम। अगर हम कॉमन नाम की देखें तो इसको बोलते हैं बेटा थैलिक एसिड और इसको हम बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड। थैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, इसमें बना है 1,2 डाइओल, बेंजीन 1,2 डाइओल, बेंजीन 1,3 डाइओल एंड दैट इज 1,4 डाइओल, 1,2, 1,3, 1,4। क्या डिफरेंट है, केवल पोजिशन डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन नाम देख, इसका नाम हो गया है कैटिकोल, कैटिकोल, इसका नाम हो गया बेटा रिसोर्सिनोल और इसका नाम हो गया हाइड्रोक्विनोल, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्विनोल। पोजिशन बदलने से इतना बड़ा अंतर आ गया, पोजिशन बदलने से एक कंपाउंड लिक्विड हो सकता है, दूसरा गैस हो सकता है, एक कलर्ड हो सकता है, दूसरा कलरलेस हो सकता है, तो छोटी बात नहीं है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, ऐसे कंपाउंड बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, फॉर एग्जांपल। और दूसरे केस में क्या, ईथर आ गया है, दूसरे केस में हो गया है ईथर, पहले में अल्कोहल और दूसरे वाले में ईथर। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन, मतलब C3H6O2, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में कितना चेंज आ गया, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे वाला कंपाउंड एस्टर हो गया है, मतलब प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई है। एसिड तो एसिडिक नेचर के होते हैं, आपको पता है। ऐसा ही एक और एग्जांपल आप लेकर के देख सकते हैं, पहले वाला कंपाउंड एल्डिहाइड है, दूसरे वाला कंपाउंड कीटोन है, दोनों ही एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। एंड यू नो, फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से बहुत बड़ा चेंज आता है, बहुत बड़ा चेंज। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एवरी स्टूडेंट has the potential to crack these exams. It just the matter of dedication and consistency. Here, I will not only tell you what to do study, but how. And make sure you succeed, because your success is our motto.